अगर आप यहाँ पर एक बजट गेमर हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप ज़ेब्रोनिक्स जैसी ब्रांड को ज़रूर जानते होंगे। ज़ेब्रोनिक्स पता है इंडियन मार्केट में इसीलिए फेमस है क्योंकि वो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी कम प्राइस पे आते हैं लेकिन आपको क्वालिटी और वैल्यू थोड़ी सी अच्छी ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ठीक से याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब वॉर का जो गेमिंग कॉम्बो था ना माउस और कीबोर्ड वाला उसे अपने पर्सनल पैसे से खरीद के रिव्यू किया था। तो वो वीडियो ज़ेब्रोनिक्स ने भी देखा तो उनको लगा यार वाह TIBG आपके पास तो काफ़ी सारे व्यूज जमा कर रखे हैं आपने। तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपना एक बजट सेगमेंट का गेमिंग कैबिनेट भेजा जिसको कि आप Amazon पर जाकर लगभग 2000 रुपए का भी खरीद सकते हो। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कैबिनेट के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस कैबिनेट के अंदर आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और अगर आप यहाँ पर इस कैबिनेट के साथ जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है और लास्ट में बताएंगे कि आपको ये कैबिनेट लेना चाहिए या नहीं। वेल तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई WindowsKey.in। अगर आप यहाँ पर चीप में Windows 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप WindowsKey.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के बारे में। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगी है कि ज़ेब्रोनिक्स ने यहाँ पर जो आपको कैबिनेट दिया ना वो एक बॉक्स के अंदर नहीं बल्कि दो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रैप कर दिया हुआ है ताकि शिपमेंट में यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का डेंट या डैमेज देखने को ना मिले और ये चीज मुझे ना काफी अच्छी लगी है। एक बार जब यहाँ पर आप कैबिनेट को अनबॉक्स कर लेते हो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हो वो है इसकी क्वालिटी। यहाँ पर जो आपको इस कैबिनेट पर बिल्ड क्वालिटी और जो लुक्स देखने को मिलता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मेटल का जो यहाँ पर यूज किया गया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्रंट में और साइड में यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है जो कि आपकी जो फील है ना उसको थोड़ा सा और प्रीमियम बना देता है। हालांकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बाय नो मीन ये किसी भी तरीके का प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा क्यों। अब ये कैबिनेट आपको कितनी प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करता है वो आप इसके स्क्रूज देखकर पता लगा सकते हो। फ्रंट में जो स्क्रूज यूज़ करे गए ना वो तो मेटल के हैं लेकिन साइड में जो साइड पैनल के लिए स्क्रूज यूज़ करे गए हैं ना वो बिल्कुल प्लास्टिक के हैं जो कि बहुत ही चीप फीलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब भले ही यहाँ पर इस कैबिनेट की प्राइस 2000 रुपये है लेकिन कैबिनेट के अंदर आपको 4 रेनबो फैंस जो है प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि 3 फ्रंट पे लगे हुए हैं और एक बैक साइड पे लगा हुआ है जो कि आपको बेहतरीन लुक्स के साथ साथ अच्छा खासा एयर फ्लो भी प्रोवाइड कर देता है। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर इस कैबिनेट के अंदर ये अच्छी लगी है कि बजट सेगमेंट का होने के बावजूद भी कैबिनेट के अंदर आपको बहुत सारे केबल राउट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट करना चाहते हो या क्लीन लुक अचीव करना चाहते हो ना तो इस कैबिनेट के अंदर आप वो भी कर सकते हो। बैक साइड पे आपको काफी स्पेस देखने को मिल जाता है जहां पर आप ढेर सारा वायर्स भी हाइड कर सकते हो। वही बात आती है अगर टॉप की तो टॉप में यहाँ पर आपको जो है एक USB 3 पोर्ट, एक USB 2 पोर्ट, बाकी थोड़े से बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको मैश भी देखने को मिल जाती है। हालांकि एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर आप रेडिएटर या किसी भी तरीके का फैंस माउंट नहीं कर सकते ऊपर साइड पे। लकली आपको फैंस माउंट करने का ऑप्शन नीचे साइड पे दिया हुआ है तो अगर आप थोड़ा सा एयर फ्लो को इम्प्रूव करना चाहते हो ना नीचे साइड पे फैंस माउंट कर सकते हो तो थोड़ा सा एयर फ्लो आपका बढ़िया रहेगा। नाउ अब यहाँ पर अगर आप सेम कैबिनेट को खरीदते हो अपने पर्सनल PC बिल्ड के लिए तो यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने इस कैबिनेट के अंदर एक PC बिल्ड भी किया हुआ है ताकि ये चीज़ मैं देख सकूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या इश्यूज फेस करने को पड़ सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर मैंने ये नोटिस करी, इस कैबिनेट के अंदर PSU शराउड तो नहीं है तो आपको जो पावर सप्लाई है ना वो आपको ऊपर साइड पे माउंट करना रहता है। अब चाहे पावर सप्लाई का फैन आप नीचे रखो या ऊपर रखो वेंटिलेशन उतना प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा सा लुक्स इंप्रूव करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे साइड पर उसका फैन रखो क्योंकि ऊपर भी अगर आप कर देते हो तो आपको एयर फ्लो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस कैबिनेट के अंदर PC बिल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि मैं मानता हूं अगर आप बजट सेगमेंट का PC बिल्ड कर रहे हो ना तो उसके लिए मोर देन इनफ है। तीसरी चीज मैंने ये नोटिस करी है कि जो है अंदर आपको काफी स्पेस देखने को मिलता है। केबल मैनेजमेंट करने में, क्लीन लुक अचीव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एयर फ्लो के बारे में कि इस कैबिनेट के अंदर आपको एयर फ्लो कैसा देखने को मिलने वाला है। अगर आप कैबिनेट को गौर से देखते हो ना तो फ्रंट से आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है लेकिन ग्लास कैबिनेट से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, आपको 3 mm की गैपिंग देखने को मिलती है जो कि एयर फ्लो को मेंटेन थोड़ा बहुत करने में हेल्प करती भी है। फ्रंट के यहाँ पर जो फैंस है ना वो एयर इनटेक है, रियर का जो फैन है वो एयर एग्जॉस्ट करने के लिए बना हुआ है।
तो जो आपको 3mm की गैपिंग देखने को मिलती है, अगर मैं आपको विजुअली एयर फ्लो दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर जो है एयर को वो थोड़े से सक भी करती है, जहां से जो है आप देख सकते हो स्मोक हमारे कैबिनेट के अंदर भी जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करते हो ना जो कि एपीयू बेस्ड है, तो उसके लिए ये कैबिनेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके कैबिनेट के अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, जितना एयर फ्लो इस कैबिनेट के अंदर देखने को मिलता है वो उसके लिए मोर देन इनफ है। इन केस अगर आप इस कैबिनेट के अंदर ग्राफिक्स कार्ड वाला पीसी बिल्ड करने वाले हो ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैबिनेट के नीचे आप दो फैंस को जरूर लगाइएगा, ताकि आपका एयर फ्लो ना वो थोड़ा सा और इंप्रूव हो सके। विदाउट फैंस अगर आप वही पीसी बिल्ड करते हो ना, तो हो सकता हो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हीटिंग इशू भी देखने को मिल जाए। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यार इस कैबिनेट में मुझे कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। अब चाहे आप यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी ले लो, लुक्स ले लो, वहां पर आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत एयर फ्लो का इशू है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी 2000 रुपए के हिसाब से मैं मानता हूँ आप इससे ज्यादा तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप में से जो लोग बहुत बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने वाले हैं और एक कैबिनेट ढूंढ रहे हैं, दूसरी चाइनीज ब्रांड के साथ जाने में थोड़ा सा झिझकते हैं ना, आप इस कैबिनेट के साथ जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कैबिनेट का लिंक मैं दे दूंगा। नाउ आई होप आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे इस कैबिनेट को लेके वो सब क्लियर हो गए होंगे और आपके लिए रिव्यू थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।